हरिहंताणम नमो सिंताणम नमो आयिरियाणम नमोजायाणम नमो लोये जिन स्वानुभूति स्वानुभूति श्री विमल दारा जैन श्रुत आनंद अमृत रस भरि समता प्रवाह भावती राधा विक्रम तोड़ी के महा सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। सुंदर और मार्मिक प्रकरण चल रहा है। मानो शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया हो कि भाई आत्मा तो अमूर्तिक है और इंद्रियां मूर्तिक को ग्रहण करती है और हमारे मति श्रुत ज्ञान है तो कैसे आत्मा का अनुभव होगा। मति श्रुत ज्ञान से आत्मा का अनुभव कैसे हो जाएगा, ये शंकाकार की समस्या रही। इस समस्या का समाधान करते हुए कहा, यद्यपि मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन से प्रवृत्ति करते हैं तथापि स्वानुभव को मन जनित भी कहा जाता है। मन जनित मतलब मन से होता है, ये कथन कोई अप्रामाणिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है। मन का बहुत बड़ा योगदान है, यह बात भी परम सत्य है कि मन के विकल्प जब तक रहेंगे तब तक स्वानुभव नहीं होगा। उसी प्रकार यह भी परम सत्य है कि बिना मन वाले जीव को भी स्वानुभव नहीं होगा। स्वानुभव के लिए मन वाला माने संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है, किंतु मन पावे विश्राम यह भी जरूरी है। स्वानुभव दशा का वर्णन करते हुए यहाँ बनारसी दास जी की दो पंक्तियाँ प्रस्तुत कर दी थी, बहुत सुंदर और मार्मिक पंक्तियाँ हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी इस पूरी सभा में किसी को ये दो पंक्तियाँ याद नहीं होगी। वस्तु विचारत ध्यावते देखो अनुभव किसका नाम है और अनुभव कैसे होता है, ये दो बातें आ गई है इस छंद में। अनुभव किसे कहते हैं और अनुभव करने की विधि क्या है, इन दोनों बातों का वर्णन यहां कर दिया गया। सबसे पहले तो वस्तु विचारत, आप सोचना जरा अपने मन में, मुझे मालूम है यहां से उठ के जाने के बाद में आपने नहीं सोचा होगा कुछ भी, मुझे पूरा भरोसा है इस बात पर। वस्तु विचारत, वस्तु का विचार करना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप का विचार, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ज्ञानी के हृदय में, ज्ञानी के विकल्पों में निरंतर वस्तु स्वरूप का ही विचार वर्तता है। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणामे वैसे, ये वस्तु स्वरूप का विचार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है,
उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, ये वस्तु स्वरूप का विचार है। पर में मेरी रंच मात्र भी नहीं चलती, ये वस्तु स्वरूप है। पर से मुझे लाभ हानि नहीं होता, ये वस्तु स्वरूप है। पर मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, मेरा कंट्रोल पर पे नहीं है और पर का कंट्रोल मुझ पर नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें तो दो पक्ष सामने आते हैं, स्व और पर इस विचार में। लेकिन तत्काल बाद में कह दिया ध्यावते, जब ध्यान की बात करते हैं तो दो नहीं होते, ध्यान एक का होता है। इसलिए वस्तु विचारक से बात शुरू हुई। आप सोचना हमारे दिलो दिमाग में सुबह से शाम तक क्या विचार विकल्प चलते रहते हैं। सोचो गंभीरता से हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है। ये कह रहे हैं वस्तु विचारक, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पात्र जीव के चित्त में वर्तमान भूमिका में वस्तु स्वरूप का विचार चलने लगता है। यदि वस्तु स्वरूप का विचार ही नहीं चल रहा है तो ध्यान कहाँ से होगा, और यदि वो ध्यान नहीं होगा तो मन विश्राम कैसे पाएगा, और मन विश्राम नहीं पाएगा तो आत्मा की अनुभूति कैसे होगी। ये विधि है, इसी प्रक्रिया से काम करना होगा। आत्म अनुभव की कितनी सुंदर विधि बतला दी है। अभी तो हमारे दिलो दिमाग में घर गृहस्थी के संकल्प विकल्प ही दिन रात चला करते हैं। ये सुनते नहीं है, ये मानते नहीं है, इनको तो कहना ही बेकार है, बच्चे ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये पढ़ते नहीं है, ये सुनते नहीं है, ये क्या हो गया, ये शरीर का क्या हो रहा है, ये बिजनेस का क्या हो रहा है, ये दुकान का क्या हो रहा है, सर्वेंट नहीं आया उसका ये हो गया। दुनिया भर की बातें, किसके क्या हो गया, दुनिया भर के लोगों के बारे में दुनिया भर की बातें हमारे दिलो दिमाग में चलती रहती है दिन भर। मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी कही है शायद ये बात आपको, कि हमारे दिन भर के विकल्पों में 90% विकल्प ऐसे होते हैं जिनका संबंध हमारे लौकिक जीवन से भी नहीं होता। इतने अप्रयोजन होते, खेलों की चर्चा, राजनीति की चर्चा, न्यूज़पेपर में आई हुई किसी घटना की चर्चा, टीवी सीरियल की चर्चा, मैगजीन पिक्चरों की चर्चा, इधर उधर की बातें, आस पड़ोस की बातें, समाज दुनियादारी की बातें, कहाँ कहाँ क्या, ये सब बातें क्या, इससे आपका क्या संबंध है, इससे आपके घर में रोटियां बनेंगी, इससे आपकी रोटियों का क्या लेना देना है, इससे आपके रोटी कपड़े मकान का क्या संबंध है, कुछ भी नहीं। 90% विकल्प ये चल रहे हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं, जिनका उपयोग स्वानुभव के लिए प्रयत्नशील होता है वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। उनके लिए यहां कहा वस्तु स्वरूप का विचार करो भाई। पुण्य पाप कर्म के उदय के विचार की बात नहीं कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप के विचार की बात कर रहे हैं। अभी तो हमारे विचार वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं, शुभ भाव रूप थोड़े बहुत चलते हैं तो उसमें ही हमें संतुष्टि लगने लगती है। थोड़ा पुण्य कर लो, रोजाना स्वाध्याय में आ रहे हैं, कभी कभी तो कोई लोग ऐसे भी पूछने लगते हैं, स्वर्ग की तो गारंटी है ना, इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, 16वां नहीं मिलेगा तो दूसरा चौथा तो मिल ही जाएगा, इतना तो हो जाएगा ना। अरे तुझे अंदाजा नहीं है, ये चर्चा स्वानुभव की चल रही है, स्वानुभव की चर्चा के बीच में तेरे चित्त में भोग क्यों आ गए, स्वर्ग माने भोग, स्वर्ग की चाह माने भोगों की चाह, स्वर्ग की चाह माने पंचेंद्रीय विषयों की चाह, ये कैसे दिमाग में आ रहा है। और वो स्वर्ग, वो देवगति, असंख्यात भाव मिले देवगति के तब जाकर के एक भाव मिलने का चांस हो मनुष्य जीवन का। शायद 2-4 दिन पहले ये वाक्य कहा था मैंने, असंख्यात कैसे संभव है, क्यों नहीं है असंख्यात संभव। कितने सागर, 1260 सागर का काल बीतता है स्वर्ग में, और कुछ अधिक के अंदर काल बीतता है मनुष्य में, असंख्यात भाव होंगे। मुझे सब पता लग जाता है, आप लोगों की चर्चा चल रही थी, मैंने ये बात 2-4 दिन पहले कही तो आपके गले नहीं उतरी, परसों कही है, कोई बात नहीं, आप शंका रखें गले उतारने के लिए तो हम बैठे हैं ना। आप सोचिए
2000 सागर के लिए तरस पर्याय की प्राप्ति होती है। 2000 सागर की तरस पर्याय में 1260 सागर देवगति के, 740 सागर नरक के, 1260 सागर एक सागर में कितने वर्ष होते हैं, असंख्यात वर्ष है एक सागर में। भवन त्रिको में आयु 10,000 वर्ष, 15,000 वर्ष, 50,000 वर्ष, क्या है भवन त्रिको की आयु की स्थिति, उत्कृष्टतः स्थिति कही एक सागर की असुर कुमार की। बाकी तो पल्लियों में आयु है, वर्षों में आयु है, 10-20-50,000 वर्ष की, लाख वर्ष की, करोड़ों अरबों वर्षों की यदि आयु भी होवे तो करोड़ों अरबों वर्षों की आयु वाले भी असंख्यात भव निकल जाते हैं एक सागर में। अंदाजा है हमारे को सागर कितना बड़ा है। एक सागर के अंदर, एक सागर में भवन त्रिकोण के असंख्यात भव हो जाए, एक सागर में 1260 सागर है, कितना लंबा काल है सागर का, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है, क्या 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का, एक एक दो दो पल्ले के आयु वाले देवों की भव भी मानो, वैमानिक देवों के अंदर देवांगनाओं के भव मानो, हिसाब ही नहीं है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, दो पल्ले की आयु, पांच पल्ले की आयु, सात पल्ले की आयु, 15 पल्ले की आयु, पहले दूसरे स्वर्ग के अंदर मैक्सिमम 5 पल्ले की आयु, 16वें स्वर्ग के अंदर मैक्सिमम 55 पल्ले की आयु, 55 पल्ले और कितने के सामने, 10 कोड़ा कोड़ी, अनगिनती देवांगनाओं के भाव धारण किए हमने। ये तो मैं वैमानिकों की बात कर रहा हूं, भवन त्रिको में तो क्या होगा, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी 10-10-15-15,000 वर्ष की आयु वाले भाव बिताए, असंख्यात भाव देवगति की बीतते हैं। अब देखो आप, वो तो कितने भाव है, होंगे ना, क्यों नहीं होंगे, ज्यादा आयु वालों के भी लगाओ, ज्यादा आयु वाले कितने भाव होंगे, 18-20 सागर की आयु वाले लगाओ, 10-5 भाव भी लगा लो 18-20 सागर की आयु वाले, और क्या होगा। मैक्सिमम काल तो मिथ्या दृष्टि का भवन त्रिको में बीतता है क्या, और मनुष्यों के भाव कितने हैं वो गिन लो, बिल्कुल आगम प्रमाण से बात करता हूं, असंख्यात भाव स्वर्ग के मत के ना, देवगति के ना, वो ज्यादा उपयुक्त होगा, है ना, असंख्यात भाव देवगति के धारण करे तो एक भाव मनुष्य का मिले। अब और बात कहूं आपको, असंख्यात के ऊपर एक, अब ऐसे मनुष्यों के अनंत भाव उसमें एक जैन कुल का, हाँ बन सकता है ना, लेकिन तो भी जितने भी मनुष्य भाव होंगे ना वो असंख्यात के ऊपर एक भारी पड़ेगा, इतना होगा। यदि 2000 सागर की तरफ पर्याय यदि कंप्लीट करे तो उसमें इतना रेशियो बैठेगा, असंख्यात रेशियो एक, एक एक की तुलना में असंख्यात, ये हालत है। अभी मैंने दूसरा वाक्य क्या कहा, सदाशिव दास जी का कहता हूं मैं, सदाशिव दास जी, और देखना असंख्यात शब्द का प्रयोग किया है या अनंत शब्द का प्रयोग किया है, वापस देखना। ये प्रकरण है 8 मद वाला प्रकरण, कुल मद की चर्चा करते समय रत्नकरण शांकाचार्य में सदाशिव दास जी ने लिखा है, असंख्यात मान लो, असंख्यात बार ये जीव नीच कुल में जन्म लेवे तो एक भाव उच्च कुल में जन्म लेता है, मनुष्यों की बात है। अब कितना हो गया, अब कल्पना करो, अब वहां से असंख्यात बार देवगति का तो एक मनुष्य भाव, फिर असंख्यात देव के तो दूसरा मनुष्य भाव, फिर असंख्यात देव के फिर एक मनुष्य भाव, फिर असंख्यात देव के फिर एक मनुष्य भाव, ऐसे मनुष्यों के एक एक करते हुए कितने असंख्यात, तो एक बार उच्च कुल जैन कुल की प्राप्ति। अब लगाओ जरा, हम कहां बैठे हैं, असंख्यात असंख्यात बार देवगति में चला जाए, फिर देखो आप मनुष्य, मनुष्य जन्म, अब मनुष्य जन्म में भी कहाँ बैठे हैं हम लोग, जैन कुल, जैन कुल में भी जनवाणी सुनने का अवसर, ये वीतरागी तत्व ज्ञान, और फिर उसमें स्वानुभव की चर्चा भी करते हो, धन्य है वे जीव। बोलो, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम,
बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। बोलो कितने भाग्य से मिल गया है ये जैन धर्म, ये जैनवाणी सुनने का अवसर, ये स्वात्मानुभव की चर्चा करने का प्रसंग। पर हम कहा उलझे, हम पूछिए देव पर जाए नहीं जी, पुण्य 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 के गीत गाते रहते हैं। बोलो आप स्वात्मानुभव की चर्चा के बीच में ये पुण्य की क्या अहमियत है? इतना आगे नहीं है, सब बहुत पहले है प्रकरण। हाँ कुल मत की चर्चा करते समय बोलो आप कितनी बार हीन कुल की प्राप्ति होवे तो एक बार उच्च कुल की प्राप्ति होवे, ऐसा लिखा। मुझे ध्यान आ रहा है अनंत होना चाहिए, असंख्यात भी हो जाता है, असंख्यात हो चाहे अनंत हो, मिल गया। दिखाओ, देखो पंक्ति पढ़ के दिखाता हूँ, सदा सुदास जी की पंक्ति देखो आप क्या है। हाँ देखता हूँ ठीक। और ऐसे ही पिता का पक्ष कुल हूँ ऊंचा नीचा अनंत वार प्राप्त भया, संसार में जाति का कुल का मद कैसे करिए, स्वर्ग का महार्दिक देव मरिगे एकेंद्रीय आए उपजे हैं तथा श्वान अधिक निंद त्रियंच में उपजे हैं तथा उत्तम कुल का धारक होए तो चांडाल में जाए उपजे। और भी कहीं स्पष्ट है इसके अलावा भी, मुझे ऐसा ख्याल आता है। मैंने इसके उसमें देखना, हिंदी वाले में देखना, और ये कुल मद और शायद कहीं सम्यक दर्शन की चर्चा करते समय प्रारंभ में भी है क्या कहीं, वहां भी देखना ये क्या है। कुल हूं ऊंचा नीचा अनंत बार प्राप्त भया, ये तो ऊंचे ऊंचे नीचे कुल को अनंत बार प्राप्त करने की बात कही है। इन लोक में इनको उपकार करे। मेरे ख्याल से प्रारंभ में यहाँ सम्यक दर्शन की जहाँ चर्चा आई है ना उस जगह पर, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने देखी है वो चीज। मिलेगी आपको वहां, मिलेगी। देखो आप ये प्रकरण सम्यक दर्शन के संदर्भ में, सम्यक दर्शन की महानता आदि के जो प्रकरण है ना, प्रारंभ में जो प्रकरण दिया है 70-80 पेज के आसपास, वहाँ उस जगह पर ये प्रकरण है। अभी ये ढुंडारी वाला है, मैंने हिंदी वाले का तो मेरे को थोड़ा तत्काल ख्याल में आता है, हिंदी वाला है उसमें देखा आपने। कोई बात नहीं, तो कल निकाल करके दिखाता हूँ मैं, कल आता हूँ। आप अभी अभी छोड़ो, अभी निकल है ना। अरे भाई साहब अनंत अनंत बार मैंने ऐसी ऐसी चर्चाएं लिखी हैं, देख करके हमारा दिमाग चकरा जाता है, ये क्या लिख रहे हैं ये बात। बोलो कुल मद, ये देखो यहाँ इधर आई है चर्चा, कुल मत की चर्चा है 55 पेज पर भी है ये, उसमें देखना, वहाँ उस प्रकरण में देखना 55 पेज के आसपास वहाँ है। देखो भवनी में मैं अनंत वार नार की भया, क्या लिखा अनंत वार, देखो ऐसा लिखते हैं कुल में, पूर्व भवनी में मैं अनंत वार नार की भया, अनंत वार सिंह व्याघ्र सर्पनी के कुलनी में उपजा, अनंत बार सूकर, ठीक है इसमें से पढ़ता हूँ, देखो हिंदी वाले में से पढ़ता हूँ, अब सुनना देखो पूरा ही प्रकरण सुन लो आप एक बार क्या कह रहे हैं यहाँ। अब ये सिद्ध करते हैं कि सम्यक दृष्टि को कुल का मत नहीं है, जगत में पिता के वंश को कुल कहते हैं। सम्यक दृष्टि विचारता है मेरा आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ये वस्तु विचारत की चर्चा है। बनारसी दास जी का जो छंद अपन पढ़ रहे हैं रहस्य पुंचिट्ठी में, ये उसी की चर्चा है। उसका कुल होता ही नहीं है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही मेरा कुल है, मैं अनादि काल का कर्मों से पराधीन हूँ। इस मनुष्य पर्याय में यदि उत्तम कुल मिला है तो इसका गर्व करना महान अर्थ है। पूर्व भावों में अनंत बार नारकी हुआ,
अनंतवार सिंह व्याघ्र सर्पों के कुलों में पैदा हुआ। अनंतवार सुकर कुकर गीधड़ गधा। अनंतवार ऊंट भेड़ भैंसा स्याल इत्यादि के कुलों में पैदा हुआ। अनंतवार मलेच्छों के मनुष्य गति के समझना। अनंतवार मलेच्छों के भीलों के चांडालों के चमारों के धीवरों के कसाइयों के कुलों में पैदा हुआ। अनेक बार नाई धोवी तेली खाती लोहार बड़बूजा चारण भाट डोम भांडों के कुलों में पैदा हुआ। अनेक बार निर्धनों के कुल में पैदा हुआ। कभी किसी शुभ कर्म के उदय से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के कुलों में आकर पैदा हुआ हो गया। तो अब कर्म के किए कुल में आकर गर्व करना बड़ा अज्ञान है। इस कुल में मेरा कितने दिनों तक रहना है। अनादि से इस कुल में मेरा निवास तो था नहीं, नया पैदा हुआ हूँ। मरकर फिर पुण्य पाप के अनुसार किसी अन्य कुल में पैदा होना होगा। बोलो आप। और देखो सम्यक दृष्टि विचार करता है, जाति मत की लाइन है। सम्यक दृष्टि विचार करता है, पूर्व भवों में मैं अनंतवार क्या क्या लिखा, जाति मत की दूसरी लाइन है, पेज नंबर 52 है हिंदी रत्नकरण श्रावाचार में। सम्यक दृष्टि विचार करता है, पूर्व भवों में मैं अनंतवार नीच जाति में पैदा हुआ, तब एक बार उच्च जाति में पैदा हुआ। इस प्रकार अनंत बार नीच जाति पाई और अनंत बार उच्च जाति भी पाई है। अब उच्च जाति पाने का क्या गर्व करते हैं? क्या क्या कहा? अनंत बार नीच जाति में पैदा हुआ, तब जाकर के एक बार उच्च जाति में पैदा हुआ। कहाँ बैठे हैं हम लोग? कहाँ खड़े? अनंत शब्द का प्रयोग है, देखो आप साफ साफ लिखा है। कहाँ खड़े हैं? कौन कौन से कुलों में जन्म लिया है? कौन कौन से भाव धारण किए हैं? अनंत अनंत बार मलेच्छों में जन्म लिया है। आर्यखंड वालों की तुलना में मलेच्छ खंड वाले कितने हैं? भोगभूमियों के अंदर त्रियंश असंख्यात बार त्रियंशों के भाव धारण किए हैं। भोगभूमि में चला गया पुण्य के उदय से, वहां से भवन त्रिकों में जाकर के जन्म ले लिया। उत्कृष्ट थे, पहला दूसरा स्वर्ग है। असंख्यात भाव धारण किए भोगभूमियों के त्रियंशों में, क्योंकि मनुष्य तो ढाई द्वीप तक ही है, बाहर के असंख्य द्वीप समुद्रों के अंदर त्रियंची त्रियंच। हाँ नारकी अनंत बार लिखा ना भाई साहब, बहुत दुर्लभता से ये अवस्था की प्राप्ति हुई है। ये हमें तो अब अपने आत्म कल्याण की तरफ उन्मुख हो जाना चाहिए। एक तरफ तो देवों के भवों की बात कही मैंने, असंख्यात देवों के भवों की बात कही क्या, दूसरी तरफ अनंत मनुष्यों के भाव, असंख्यात असंख्यात देवों के भाव के बाद एक मनुष्य का मिलता है, और ऐसे मनुष्यों के अनंत भाव मिल गए। एक बार उच्च कुल में अनंत अनंत काल में भाव नहीं मिले तुम्हारे को मनुष्यों का? ये जैन कुल नहीं मिले? अनंत अनंत जन्म लेवे, उसके बाद में मर करके चला जाता है एक इंद्री में। पेज नंबर 63 पर लिखी टोटरमल जी ने बात, उद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा काल है जिसके अनंत विभाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। एक इंद्री पर्याय का उत्कृष्ट काल ढाई पुद्गल परावर्तन कहा, एक इंद्री पर्याय का मैक्सिमम काल ढाई पुद्गल परावर्तन, एक इंद्री का नहीं इतर निगोद का, इतर निगोद का उत्कृष्ट काल ढाई पुद्गल परावर्तन। पृथ्वी जलादिक के अंदर परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल असंख्यात कल्प काल, और सुनना बात कहता हूं, असंख्यात कल्प काल, एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, एक कल्प काल, एक सागर नहीं दो सागर नहीं, सागर की चर्चा करो तो दिमाग के ऊपर से जाती है बात। कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल। ऐसे एक कल्प काल नहीं, दो कल्प काल नहीं, तीन कल्प काल नहीं, असंख्यात कल्प काल पूरे हो तब तक ये जीव पृथ्वी का एक से जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इनमें घूमता फिरे, और वहां से पूरा करके इतर निगोद में चला जाए। इतर निगोद में ढाई पुद्गल परावर्तन, दो ढाई पुद्गल परावर्तन काल बिताए, फिर पृथ्वी कायाधिक में आ जाए,
फिर असंख्यात कल्प काल पृथ्वी काया दीप में बिताए, फिर इतर निगूद में चला जाए, दो ढाई पुटकल परावर्तन वहां बिताए, फिर पृथ्वी काया दीप में चला जाए, फिर असंख्यात कल्प काल वहां बिताए, फिर इतर निगूद में चला जाए। इस तरह से त्रस पर्याय की प्राप्ति न करे और इतर निगोद और पृथ्वी काया दिक के अंदर ही घूमता रहे तो उत्कृष्ट काल कहा है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। त्रस पर्याय की प्राप्ति ना होवे तो चींटी नहीं बने, कीड़े मकोड़े नहीं बने, दो इंद्री लट पर्याय की प्राप्ति नहीं होवे, मक्खी मच्छर भौरा नहीं होवे। सोचो आप कितने असंख्यात पुद्गल परावर्तन। और सुनना, असंख्यात पुद्गल परावर्तन 63 पेज की बात करता हूं इसी मोक्षमय प्रकाशक की, 63 पेज पर पुद्गल परावर्तन। अनंत में भाग में अनंत सागर बीत जाते एक पुद्गल परावर्तन के लिए। वापस कहूं थोड़ा सा, क्या बात कही है, दूसरे शब्दों में कहता हूं थोड़ा घुमा करके। 62 पेज के नीचे लास्ट लाइन से देखो आप, 63 पेज के ऊपर पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा काल समझना कि जिसके अनंत में भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। इसका भाव वासन कराऊं थोड़ा सा, क्या है स्थिति, अनंत सागर एक बार, अनंत सागर फिर दोबारा बीते, फिर अनंत सागर तीसरी बार पूरे हो, फिर अनंत सागर बीते, फिर अनंत सागर बीते, फिर अनंत सागर बीते, फिर अनंत सागर पूरे हो, फिर अनंत सागर पूरे हो, ऐसे अनंत 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 सागर, 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 कितनी बार, अनंत बार पूरे हो अनंत अनंत सागर, तब जाकर के एक पुद्गल परावर्तन होता है। और ऐसा एक पुद्गल परावर्तन नहीं, ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक आपको लट बनने का चांस नहीं मिले। चिंतामणि रत्न के समान कह दिया दुर्लभ। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के बाल उठ रहे हैं ऊपर से जा रही है बात, अब वो दो इंद्री पर्याय, फिर तीन इंद्री पर्याय, फिर चार इंद्री पर्याय, क्या फिर पंचेंद्री, असैनी सैनी अवस्था की प्राप्ति, सैनी पंचेंद्रियों के अंदर भी नार की नहीं, त्रियंश नहीं, देव नहीं, मनुष्य भाव की प्राप्ति, मनुष्यों में भी हीन जाति कुल वाला नहीं। अरे कितने भाव और कितने कुल गिना दिए इन्होंने, लाइन लगा दी इन्होंने, नाई हो गया, भड़ई हो गया, खाती हो गया, ये हो गया, लोहार हो गया, चमार हो गया, क्या गजब कर दिया इन्होंने सदा सुधार जी ने। कितने हैं जैन, सोचो तो सही आप, और फिर जैन कुल में जन्म ले लिया, कोई बात नहीं, और जैन कुल में जन्म ले लिया और फिर कहता है किसने देखे आलू में जीव वारे जमाना बदल गया है साहब, रात्रि भोजन अभी आजकल तो साहब अब तो दिन जैसा प्रकाश रहता है, कौन समझाए इसको क्या करें, मंदिर आने लग गया तो अपने आप को मान समझने लग गया, रोजाना मंदिर आता है तो कहता है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। अभी तो मैं तो बात बहुत आगे की कहने वाला हूं, ये मंदिर आता है रोजाना, रोजाना पूजन करता है, रोजाना स्वाध्याय में आकर के बैठता है तो ऐसा समझता है कि बहुत बड़ा काम कर लिया, और कोई कुछ कहे तो कहता है इससे ज्यादा के जान लोगे क्या, इतना तो करता हूं पहले तो रोजाना बस दर्शन करके चला जाता था, आजकल तो 2 घंटा सुबह देता हूँ, शाम को भी दोबारा आता हूँ, इससे ज्यादा क्या करोगे आप, इससे ज्यादा क्या होगा, आप क्या चाहते हो सब छोड़ छाड़ करके इसी में लग जाए। चलो कोई बात नहीं, हम तो ये कहते हैं इतना सब कुछ करते हुए आपको कैसा फील हो रहा है, गुड बहुत अच्छा, अरे साहब मजा बहुत अच्छा भाई साहब, ये शुभ में संतुष्टि है, ये स्वानुभव की बात है, संतुष्ट होने का नहीं है इसमें। परसों गोष्ठी थी हमारी, गोष्ठी की अध्यक्षता थी मेरी, शुभाशुभ भावों के ऊपर, पुण्य पाप के ऊपर, समय सार का पुण्य पाप अधिकार, बहुत सुंदर चर्चा, सारे विद्वानों का ग्रुप है, बहुत सुंदर चर्चा चली। कहाँ अटका है ये जी, अब मैं कहता हूँ इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ो, आपको कैसा लगने लगता है सोचो, अभी आपका 3 घंटा रोजाना स्वाध्याय चलता है, 3 की जगह 6 घंटा चलने लगे तो आप क्या कहोगे, यार मज़ा आ रहा है, क्या लाइफ हो गई है, बहुत अच्छा हो गया है। अभी आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, रात को पानी पीने का भी त्याग कर दो, गजब है,
किसी व्यक्ति के जीवन को देख करके, अपने जीवन को देख करके, रात को पानी पीना छोड़ दिया, इसका त्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया, बाजार का छोड़ दिया, मर्यादा में भोजन करते हैं, पता है चटाई पे सोते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को ऐसा ऐसा नियम का पालन करते हैं, ऐसा संयम से रहते हैं, धीरे धीरे करके मोबाइल उपयोग में लेना छोड़ दिया, ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, हम भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं, जीवन तो देखो यार क्या गजब जीवन है, ऐसा लगता है गजब ही जीवन है भाई, जीवन तो इनका है भाई साहब, घर में रहते हुए मनेराज में जैसा जीवन है, जीवन तो इनका है, क्या देख रहे हो आप, आपका लक्ष्य क्या है, ये सब। अच्छा फिर इससे बाद में आगे ऊपर बढ़ करके क्या होगा, और रंगीन कपड़े पहनने का त्याग कर दिया, सफेद ही पहनता हूं मैं तो बस, फिर क्या किया कि कुर्ता पजामा ही छोड़ दिया, आप तो बस दुपट्टा ओढ़ता हूं और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, और आगे बढ़ करके दुपट्टा भी उतार दिया, किसी का मंडल हाथ में आ गए, बोलो बहुत बड़े साहब तो गजब जीवन है भाई, इन्होंने तो कहां से कहां पहुंच गए साहब, धन्य धन्य है तो धन्य है, ये कह रहे हैं ऐसी अवस्था 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, क्या मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेनक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अब बोलो आप, आपकी मंजिल क्या है और ये क्या दिखा रहे हैं छोटा मंजिल, निज आत्म ज्ञान बिना शुभ भाव में तो संतुष्टि हो रही है और क्या है, पुण्य में ही तो अटक रहे हैं, पुण्य से ऊपर उठ करके तो हमने सोचा ही नहीं, उससे ऊपर उठ करके तो विकल्प भी नहीं आते हैं हमारे को, आते हैं इतने विकल्प कि शुभ भाव करने योग्य नहीं है। बोलो गुरुदेव से लोग पूछते थे कि साहब शुभ भाव तो करने योग्य है ना, क्या शुभ छोड़ करके पाप करें क्या, फिर शुभ करने योग्य तो है ना, अभी हमारी जब तक शुद्धोपयोग ना हो तब तक तो शुभ करने योग्य है। बोलो बोलो क्या जवाब होगा, आपका क्या जवाब होगा, जब तक शुद्धोपयोग ना हो, क्या भाई साहब जब तक शुद्धोपयोग ना हो तब तक तो शुभ करने करना चाहिए ना, करना नहीं चाहिए, तब तक तो करने योग्य है ना, तो पता है क्या जवाब देते थे, वो कहते थे जब तक शुद्ध भाव में न जाओ तब तक शुद्ध भाव का प्रयत्न करना योग्य है, शुद्ध भाव के लिए प्रयत्न करना योग्य है, बस हम ये नहीं कहेंगे कि शुभ करना योग्य है, हम तो यही कहेंगे तुम्हारा शुभ भी ऐसा हो जो शुद्ध के लिए प्रयत्न हो, क्या प्रयास वो होना चाहिए था, तो अटके हैं हम तो, बोलो शुभ में ही अटके हुए, हमें तो पुण्य समझ में आता है, पुण्य की महिमा आती है, सोचो जैसे भोगों की महिमा आती है, जैसे बाह्य संपत्ति में महिमा आती है, जैसे अच्छे कपड़ों में मजा आता है, वाह क्या ठाट, ये भी ऐसा ऐसा जिसको लगता है, इसका मतलब ये है अभी आत्मा कोसों दूर है, अभी किस चीज का आनंद आ रहा है हमारे को, ये सब पुण्य के उदय का ठाट है, और लेना देना क्या है, ये पुण्य के उदय से क्या होगा, थोड़ा बहुत व्रत नियम संयम का पालन कर लिया, त्याग तपस्या कर ली, मर करके देवगति में चला जाएगा, फिर भोगों में उलझ जाएगा और क्या होगा, फिर मनुष्य के लिए तरसेगा, और फिर मनुष्य होकर के फिर गएगा काश देवगति मिल जाए, देव बन करके मनुष्य दशा चाहते हैं, और ये मनुष्य सोचता है काश मुझे देवगति की प्राप्ति हो जाए, पुण्य चाहता है, पुण्य चाहता है, कैसा पुण्य सोचो, और सुनो इस पुण्य के संदर्भ में, जिस पुण्य को देखकर तुम्हारा मन ललचाता है, जिस भोग सामग्री वैभव और इन सब को देख करके हमारा मन आकर्षित होता है, क्या लिखा आचार्यों ने, ये सुनो भाई, ऐसा पुण्य असंगी दशा में चक्रवर्ती के बेटे होने जैसा मान लिया था, किसने, भरत चक्रवर्ती के बेटों ने, 923 बेटे, क्या भरत चक्रवर्ती के 923 बेटे नित्य निगोद से निकले थे, त्रस पर्याय में आए, एकाद पर्याय बीच में, एक पर्याय इंद्र गोप नाम के कीड़े हो गए, दो इंद्री पर्याय धारण करी और हाथी के पैर के नीचे कुचले गए, और मर करके चक्रवर्ती के बेटे तीर्थंकर के पोते कामदेव के भतीजे अंतिम कुलकर नाभिराय के परपोते
क्या? प्रथम गणधर ऐसे वृषभ सेन के भतीजे हैं, और कैसी दशा की उन्होंने प्राप्ति कर ली, कैसा पुण्य, चक्रवर्ती के बेटे होने रूप पुण्य, क्या कहाँ बांधा था उन्होंने, दो इंद्री पर्याय में ऐसा पुण्य बांध लिया, कितनी पूजाएं की होगी पुण्य करने के लिए, कितने उपवास किए होंगे उन्होंने जिससे ऐसा पुण्य, इतना गजब पुण्य बांधा भाई, क्या पुण्य बांधा है उन्होंने। अब हम कह रहे हैं कि तू ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, ये जनवाणी की चर्चा करके भी तू ये सोचे मुझे ऐसा पुण्य बन जाए कि यार मुझे तो ये मिल जाए, ये मनुष्य भाव किसी भोग सामग्री की प्राप्ति के लिए, ऐसा पुण्य बांधने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए ये चर्चा, किसी और के लिए नहीं है। अनंत काल बिताया है, अनंत काल बिताया है स्वानुभव के बिना, रोता ही रहा हूं मैं, क्या है पंक्ति, स्वानुभव के बिना रोता ही रहा हूं मैं, ठीक है मैं तो ऐसे बना देता हूं कुछ भी, सच में भटकता रहा हूं, रोता रहा हूं स्वानुभव के बिना, दर दर की ठोकरें खाता रहा हूं मैं, स्वानुभव के बिना ठोकरें खाता रहा हूं मैं, स्वानुभव के बिना जीवन बिताता रहा हूं मैं, क्या कभी देव बना कभी नरक गया कभी त्रियंचो में गया, न मालूम कहां कहां ठोकरें खाता रहा स्वानुभव के बिना। अब अवसर मिल गया, क्या अवसर मिल गया, वस्तु विचारत, क्या अवसर मिल गया, सबका निचोड़ है, सबका निचोड़ है, ये काम नहीं किया करने योग्य, ये काम नहीं हुआ, बाकी काम अनंत बार कर लिए, सब कुछ किया ये काम नहीं किया, मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कौन सा शुभ भाव रह गया जो शुभ भाव हमने आज तक नहीं किया। बोलो भाव परावर्तन, मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कौन सा पाप भाव हो गया जो हमारे माध्यम से नहीं किया गया। थोड़े दिन पहले मैंने भेजा था लिख करके व्हाट्सएप पर, कहीं किसी दूसरे ग्रुप में किसी ने प्रश्न पूछा था मेरे से, फिर मैंने शायद आपके पास भी भेजा, क्या भाई साहब सुनो, ये जो भाव है ना दूसरों के अशुभ से अशुभ भावों को देख करके घृणा मत करना, क्योंकि अनंत बार किए हैं ऐसे भाव हमने भी, और अपने जब अशुभ की बात कह रहा हूं, जब पाप भावों की बात कह रहा हूं, तब तो क्या कह रहा हूं, दूसरों के पाप भावों को देखकर दूसरे के खोटे परिणामों को देख करके घृणा मत करना, क्योंकि अनंत बार हम भी कर चुके हैं। और दूसरा वाक्य, अपने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भावों को देखकर संतुष्ट मत होना, ये संतुष्ट होने योग्य नहीं, ये संतुष्टि बहुत बड़ी घातक है, ये अपराध है, क्या पूर्ण विराम नहीं लगना चाहिए, पूर्ण विराम नहीं लगना चाहिए, आगे बढ़ना है, जब तक काम नहीं हो तब तक वस्तु स्वरूप का विचार करते रहूं, वस्तु स्वरूप का विचार करते रहूं, द्रव्यों की स्वतंत्रता का चिंतन करते रहूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, ये चिंतन चलना चाहिए, ये विचार चलने चाहिए, आत्मा कैसा है, आत्मा का क्या स्वरूप है, सब तरफ से दृष्टि हट करके आत्मा के गुण धर्म शक्तियों के संदर्भ में, उसके पर्यायों के संदर्भ में, वर्तमान प्रकट पर्याय के संदर्भ में और सामर्थ्य के संदर्भ में, वर्तमान प्रकट पर्याय और सामर्थ्य ये दोनों हमारे विचारों का विषय बनता रहे, वस्तु विचार, और फिर क्या हो, जब अपने बारे में विचार करने लगा, अपनी महिमा दिखने लगी, तो अब क्या होगा कि ध्यान अपने में ही केंद्रित हो गया, ध्यान अपने में ही चला गया, ध्यान अपने से बाहर नहीं जाता, उपयोग एकाग्र हो गया, एक स्वरूप में स्थिर हो गया, और फिर मन पावे विश्राम, कब विश्राम होगा ये मन, कब विश्राम प्राप्त करेगा, सोचो आप, मन के विश्राम करने की विधि अनुभव की विधि, कहता हूं कभी ऐसा कि नींद लेने की जो विधि है, क्या ऐसी विधि है अनुभव की, कही थी क्या दो पांच दिन पहले ऐसी बात, नींद कैसे लेते हो आप, नींद कब आती है, एक चीज तो पहले थक जाए बहुत, ये तो बोला था मैंने, अच्छा थके ही नहीं, थकने के साथ साथ में मन में संकल्प विकल्प और परिणाम नहीं चल रहे हो, क्या जब तक मन में दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहेगी तब तक नींद नहीं आएगी, कि साहब रात भर नींद नहीं आई, कि क्यों क्या हुआ, कि दिमाग में यही चलता रहा, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तेरे दिमाग में ये चलता रहेगा तो नींद कैसे आएगी, क्या
नींद कब आएगी? जब वो शांत होगा, शांत चित्ता तेव साक्षात अमृतम पिबंती। 69 नंबर का कलश है अमृत चंद्राचार्य का, समय सार का। साक्षात अमृत का पान वे करते हैं कौन? शांत चित्त, चित्त जिनका शांत है। देखो भाई, अशांत चित्त में तो खीर का स्वाद नहीं आता। अशांत चित्त में आपको भोगों का स्वाद नहीं आता। अशांत चित्त में आपका स्पर्श इंद्रिय के भोगों में मन नहीं लगता। अशांत चित्त में आपका खाने पीने में मन नहीं लगता। तो आत्मा का आनंद अशांत चित्त में कैसे आ जाएगा? बोलो, चित्त में शांति नहीं है, चित्त में शांति नहीं है। तो ये जो वस्तु विचारत है ना, ये वस्तु विचारत चित्त की शांति के लिए है। क्योंकि जो वस्तु विचार करता है उसके चित्त में अशांति नहीं रहती। चित्त की शांति का उपाय क्या है? वस्तु स्वरूप का विचार करना, कर्मोदय का विचार करना, पुण्य पाप कर्म के उदय का विचार करना, ये वस्तु विचारत विचार करते हैं। क्या उदय का ख्याल करो, परिणमन की स्वाधीनता का विचार करो, स्वतंत्रता का विचार करो, ये वस्तु विचारत के अंतर्गत। अब क्या होगा? अब संकल्प विकल्प टेंशन होना बंद, शांत हो गया चित्त, मन शांत हो गया। कितनी शांति मिलती है बतलाओ। हमने अनेक बार देखा है किसी व्यक्ति के जीवन में पाप कर्म का उदय आ जाए, बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय हो, और आप यदि जाकर के थोड़ी देर 5-10 मिनट उनको संबोधन करो तो कहते हैं बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है भाई, आपकी बातें सुनने से बहुत शांति मिलती है, बहुत आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ये सच्चाई यही है। देख ली हमने दुनिया, दुनिया देख ली आपने, दुनिया देख ली आपने। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं दुनिया को देखे तो वैराग्य के बिना नहीं रहे। तो कहते हैं दुनिया देख ली मैंने, संवेग वैराग्यार्थम, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। तो एक बार देख तो सही, वस्तु को देख, जगत को देख, दुनिया को देख, और दुनिया को देखने के बाद में तुझे पता लगेगा कि ये दुनिया देखने लायक नहीं है। तो फिर क्या करें कि जो देखने लायक है उपयोग उसकी तरफ ले जा, उपयोग अपने स्वभाव की तरफ। फिर क्या होगा? रस स्वादत सुख उपजे, रस उत्पन्न होगा, स्वाद आएगा, सुख उत्पन्न होगा, अनुभव या को नाम, मन पावे विश्राम। ये विश्राम देखो, आज पढ़ता हूं इसका। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए। क्या क्या कहा? मन बिना, मन के बिना नहीं हुआ ये काम, जुदे परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए। मन के बिना नहीं हुआ ये काम, ऐसा कहना चाह रहे हैं पंडित जी। मन की उपयोगिता बतला रहे हैं, मन की सार्थकता बतला रहे हैं। शिष्य ने प्रश्न किया था तो उसका समाधान करते हुए कह रहे हैं मन के बिना काम नहीं होगा। असंगी पर्याय में अनंत अनंत वो बिताए, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रीय तक चांस नहीं मिला था संगी पंचेंद्रीय होने का, संगी पंचेंद्रीय भी हो गया। कह रहे हैं मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। स्वानुभव को मन जनित क्यों कहते हैं? क्योंकि मन के बिना नहीं हुआ काम। जब जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, जब जब आत्मा का अनुभव होगा तो मन वाले को ही होगा, इसलिए मन जनित कहते हैं। ये विवक्षा है, ठीक है ना? मन के बिना जुदे पर मतलब इधर उधर के परिणाम, मन के बिना इधर उधर के जो परिणाम थे वो वहां से हटकर स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए। जो परिणाम दूसरे थे ना, जुदे परिणाम, जो मन के बिना परिणाम बाहर से हटकर के अंदर में कैसे आएंगे, ये है इस लाइन का भाव। मन के बिना बाहर से हटकर परिणाम अंदर में कैसे आएंगे? इधर उधर की बातों से हटकर आपका उपयोग, जो चिंतन चलने लगे आत्मा के संदर्भ में, वो चिंतन तो मन में चलेगा, मन के बिना कैसे प्रवर्तित होंगे? इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतिंद्रिय कहने में शिष्य की ऐसी शंका थी कि साहब अनुभव अतिंद्रिय है और मति श्रुति ज्ञान इंद्रिय मन वाले,
अब कैसे होगा? और हमारे मतिश्रुत ज्ञान है, तो इन्होंने कहा अतिंद्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। कभी हम कहते हैं मन से होता है और अभी कभी हम कहते हैं मन से नहीं होता, मन से काम नहीं होता। ट्रेन का उदाहरण दिया था कल हमने, बस वही बात है। बैठना भी होगा, उतरना भी होगा, नाव में बैठना भी होगा, नाव से उतरना भी होगा, कपड़े धोने के लिए साबुन लगाना भी होगा और साबुन को धोना भी होगा। कि धोना ही था तो लगाया काई को था, और लगाया था तो फिर रहने दो ना क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा ही स्वरूप है। लगाना और धोना नए प्रमाण आदि के विकल्पों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का विचार निर्णय, और फिर उसके बाद सर्व विकल्पों का शमन और आत्मा के अतिंद्रिय आनंद का रसास्वादन। फिर देखो, तथा तुमने लिखा, ऐसा कहकर के उनके चिट्ठी की कुछ बातें और लिखी है। विषय अभी यही चल रहा है अतिंद्रिय आनंद का, प्रत्यक्ष परोक्ष अनुभूति का। हम कल इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, अभी की बात को यही।